आज की हमारी नई कहानी में आपका स्वागत है। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। तीन बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उसे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है, चाहे जीवन में कैसा भी समय आए। मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन करके ही पूछ लेते कि अब कैसी है। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी तो हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह तीन चार दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में भी सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी।
जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली को उसके जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली से थोड़ा बतिया लेती, उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और सबकी लाडली बहू लाडली से अब सबके लिए बोझ बन चुकी थी। शादी के बाद मायके में और अपाहिज होने के बाद ससुराल में औरत क्या एक बोझ बनकर ही रह जाएगी? आपको ये कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे।